में घुंघरू उंगरू की आवाज सुनाई दे देगी, छम छम। कोई बोलेगा, तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूं। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं। पुरुष भूत बनता है जी? वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अक्सर आपके साथ होता होगा, हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? मेन कंट्रोल जो है वो 90% रखे हुए ब्रेन। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है, दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? ब्रेन करता है। उसके बाद ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन बिजी है, अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है या कहीं दूसरे डायरेक्शन में रहता है, तो अपने टोटल बॉडी का कंट्रोल वो किसको दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। लेकिन मेन कंट्रोलिंग का काम जब भी करता है तो वो ब्रेन करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या कभी टेंशन में रहते हैं या कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही है। ब्रेन ने अपना बॉडी का कंट्रोल किसे हैंडओवर कर रखा है? स्पाइनल कॉर्ड को हैंडओवर करके रख दिया है। जैसे डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम को हैंडओवर करके दे देते हैं। तो जब कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई भी चीज, मतलब ये दिमाग कहीं दूसरी ओर बिजी हो जाता है, तो हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करने रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारे ब्रेन में इस में है आपका सेरिब्रम, जिसको पता है कि इस मार्कर का वेट बहुत कम है, तो ये उतना ही शक्ति का आदेश देगा कि भैया आराम से उठा लो, समझ में आ गया। लेकिन अगर बाल्टी से भरा पानी है ना, मतलब किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हमारा आंख देखेगा तो सेरिब्रम बोल देगा, अरे बकलोलो पूरा भर पानी है, तेजी से उठाओ, तो उसको तेजी से उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता है। तो ब्रेन कहीं बिजी होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती हैं? 31 इस साइड निकली हैं और 31 इस साइड निकली हैं। 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, दोनों साइड से नसें पतली पतली निकली हैं। जैसे ब्रेन बिजी हुआ, स्पाइनल कॉर्ड को कहा, स्पाइनल कॉर्ड ये 31 जोड़ी नसों को कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलर्ट मोड पर, हमला हो सकता है पूरा। अब ब्रेन किसी को सोच रहा है, कितना सुंदर थी ये, थी ऐसे करके सोच रहे हैं। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन रखा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, अब डर जाते हैं। इसे क्यों डर जाते हैं? रीजन समझिए क्या है, कि ब्रेन उस समय बिजी था, संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी, और स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मूड पर रखा था। जैसे भो बोले ना, ये 31ों का एस्टीजो अलर्ट हो गया, से क्या हुआ क्या हुआ, तब तक झट से झटका लगता है, तुरंत ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है, अरे बकलोलवा क्या कर रहा है। तब देखे दू सोच रही तो हमारा दोस्त है। तो जब कभी भी आपके सामने से कोई आके कहेगा भो, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा है, बकलोला भो बोलेगा। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड ले रखा है, तो चौंक जाते हैं आप लोग। जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन उस ससुरा अपडेटेड नहीं रहता है, सब बहुत कैपेसिटी कम रहती है। इसलिए जानवरों में भी देखिएगा, अगर आपकी गाय अगर भाग गई है, एक बार हमारे घर की एक गाय थी, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे लोग, 8 किलोमीटर दूर डॉक्टर था वहां पे, वहां पे लेके गए थे लोग उसको, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था, डॉक्टर सुई दिया ना, गाय तुड़ा के भाग गई, और ससुरी पहली बार गई थी वो हॉस्पिटल में, जानवरों के हॉस्पिटल में, इससे इसके बाद वो कभी गई नहीं थी, लेकिन वो रास्ता याद रखी थी, वापस आ गई थी। जानवरों में रास्ता याद रखने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती। इसलिए देखिएगा, शहरों में खास करके पटना वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो लोग गाय को पालते हैं और इतना तकलीफ लगती है कि उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, बेचारी प्लास्टिक खा के मर जाती है, लेकिन इतनी वफादार होती है कि दिन में घूम फिर के आती है और शाम को अपने मालिक के पास आ जाती है, और बेचारा दूध दूह लेता है, वहीं चली जाती है। तो जानवरों के पास भी सेरिब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सब कुछ होता है। जानवरों के पास भी पटाखा फोड़िएगा तो वो भी चौंक जाती है, सब भैंस उस तो तुरा जाती है, सब तो सब होता है, लेकिन उनकी कैपेसिटी इतना कम रहती है ना कि वो ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाती है। लेकिन कुछ जानवरों की कैपेसिटी बड़ी रहती है तो वो पालतू कहलाते हैं। और अच्छा, जैसे कुत्ता का कैपेसिटी अच्छा खासा होता है, चिंपांजी का मानव से मिलता जुलता रहता है, बंदर का, आप कभी जाइएगा ना, हम आपको बताते हैं, बिहार में राजगीर, जहां महात्मा बुद्ध ने मुद्द के लिए प्रसिद्ध है, शांति स्तूप है, वहां बंदरों को देखिएगा ना, आपके हाथ से ना वो खींच लेते हैं सब पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक, और खोल के आदमी की तरह पी जाते हैं, उनकी याददाश्त अच्छी है, वो दूसरे को देख के कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं सर, मान लीजिए कोई पीट रहा है, हाथ काट रहा है, तो ये बाहर से ना काट रहा है, हाथ काट रहा है तो दर्द करेगा, कौन बताएगा? बाहरी चोट को हाई
थैलेमस बताता है, थैलेमस कौन बताता है, थैलेमस। और अंदर से दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस, जैसे अंदर से पेट दर्द कर रहा है तो हाइपोथैलेमस कहेगा रे ससुरा पेटवा दुखा रहा है, और कोई पेटवा पे एक फाइट मार दिया तो थैलेमस कहेगा ससुरा मार रहा है, दुखा नहीं रहा है मार रहा है। तो एक बात बताओ भाई, ये पेट के पास से ये जानकारी, पेटवा के पास से ये जानकारी आई खोपड़िया को दिया कौन, पेटवा के पास से जानकारी खोपड़िया को दिया कौन, कौन दिया? तो पेटवा के पास से ये जानकारी दिया गया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ भी नहीं किया, यहां से ये सारा सिग्नल किसको पास भेज दिया, ब्रेन के पास भेज दिया, और ब्रेन डिसाइड करेगा कि ये अंदर का दर्द है कि बाहर का दर्द है। इसलिए डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन करेगा तो आजकल डॉक्टर वा क्या करता है ना, स्पाइनल कॉर्डवे में एगो सुई लगा देता है। देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, एगो यहीं पे गर्दन के पास एक सुई लगा देगा, और जैसे सुई लगाएगा तो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देगा, वो ये कनेक्शन तोड़ देगा कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, परमानेंट तोड़ देगा तो मरिए जाएंगे, क्योंकि मूवी देखे हैं उसमें परमानेंट तोड़ देता है उसका, यहां से कनेक्शन कुछ देर के लिए फॉल्ट कर देता है, एगो इंजेक्शन मारेगा कनेक्शन खत्म। अब आप इधर काट पुट कुछ कर दीजिए, उसको कोई असर नहीं करने वाला है। तो आजकल जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन देकर कर दिया जाता है, जिससे कि आपके ब्रेन तक यहां से जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ब्रेन सही है लेकिन ब्रेन के लिए जरूरी स्पाइनल कॉर्ड है। तो आज जो भी ऑपरेशन किए जाते हैं, आज जो डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना बच्चे के लिए, तो कोई महिला गर्भवती है तो होश में रहती है, बतियाते होती रहती है, और यहां से काट दिया, उसके चीर के सामने बच्चा निकाल के दिखा देगा, लेको जो जो रोएगा वहां पर सही हो गई, वहां पर फिर 6-7 घंटे बाद ये सही हो जाता है। आज से 12-13 साल पहले तो हॉस्टल के सारे लड़के छुट्टी में चले गए थे, यही दुर्गा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए और हम दुर्गा पूजा में गए नहीं, और पूरे हॉस्टल के कैंपस में, वही सरकारी हॉस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे। अब उसे थोड़ा डर लगने लगा, और रात में ना अचानक दरवाज़ा कोई ऐसे चू चू आवाज़ आने लगा, सोचो हम बहुत डर गए थे। अरे यार ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कितना दिमागे रहता है उसके पास, डरल रहता है, डर गए एकदम। तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं सिंपेथेटिक यानी अनुकंपीय, और इस डर के बदौलत आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ होने लगता है, आपकी आँखें बड़ी हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आंखें बड़ी हो जाती हैं, सांस तेजी से चलने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, जो चेहरे पे जो रोम्स होते हैं ना बाल खड़े हो जाते हैं एकदम, पसीना आने लगता है पसीना, और जबकि मुंह सूख जाएगा, मुंह में थूक नहीं बनेगा, लार नहीं बनेगा, थूक सूख जाएगा, थूक नहीं घोटाएगा, ससुरा कोंची हो गया रे, ये चोंचो कोंची बोल रहा है 2 बजे रतिया क्यों, कौन आ रहा है, उसी में घुंघरू उंगरू की आवाज़ सुनाई दे दी, छम छम कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज़ देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी, वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे, समझिए। तो अचीन डर लगने लगेगा, तो ऐसी घटनाओं को सिंपैथेटिक कहते हैं। हमको मेन कारण क्या था, ससुरा डर लगा, लेकिन इस डर लगने से अंखिया काहे चौड़ा हो गया, मुंहवा सूख गया, पसीना आने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगता है, कौन कर रहा है पता ही नहीं चलता है, ब्रेन कर रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है, कि ब्रेन से निकलने वाली 12 नसें कर रही है, कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 नसें कर रही है, किसी को नहीं पता, सब अपने में गड़बड़ हो जाती है, इतना भयानक डर जाएंगे ना, ब्रेन सेरिबेरम सेरिब्रम मेडुला ऑब्लंगाटा ये जितनी स्पाइनल कॉर्ड है सब पगला जाएंगे, सर क्या हो गया, अरे भाई कौन भूत उतारा है क्या। तो ऐसी घटनाओं को ऑटोनोमस ऑटोमेटिक हो जा रहा है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है अनुकंपीय समझ में नहीं आता है, हाथ पर कांपने लगता है एकदम, और दरवाजा कोई खटखटाएगा, खोलो तुम्हें मैं लेने आई हूं, यमराज की भतीजी हूं मैं, अरे ससुरा खोलिएगा उसको, तो कहेंगे दूर ससुरी तो हमरी वाली है रे, तब आपका मन एकदम हरिहरा जाएगा, आहा हमरी वाली आई है मिलने के लिए। तब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पारासिम्पेथेटिक यानी परा अनुकंपीय, अब जो जो घटनाएं हुई थी सब नॉर्मल हो जाएगा, अंखिया जो चकरा गया था नॉर्मल हो जाएगा, जो मुंहवा सूख गया था अब मुस्कुराने लगेंगे।